नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर और मैं हूँ आपके साथ गुलिस्ता। भारत दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश बन चुका है। अगर उसे अपने सप्लायर दूध के लिए वैश्विक बाजार में हिस्सा हासिल करना है तो निर्यात प्रतिस्पर्धा बनना होगा। नीति आयोग के सदस्य रमेश चंद्र ने वर्किंग पेपर में कहा कि भारत का डेयरी उद्योग किसी भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का विरोध करता रहा है जिसमें डेयरी उत्पादों में कारोबार का आयात शामिल हो। चंद के अनुसार एक देश यदि आयात के साथ प्रतिस्पर्धा करने में असमर्थ है तो वो निर्यात प्रतिस्पर्धी नहीं हो सकता। निर्यात प्रतिस्पर्धी होने के लिए आयात की तुलना में अधिक ऊंची प्रतिस्पर्धा की जरूरत होती है। ये मुद्दा भारत में डेयरी उद्योग के भविष्य के विकास के लिए महत्वपूर्ण है। डेयरी उद्योग को अपने कुछ घरेलू उत्पाद का विदेशी बाजारों में भेजने का रास्ता निकालना होगा। साथ ही रविवार को उन्होंने सुझाव दिया कि सिर्फ लिक्विड दूध को भेजने के बजाय हमें अलग-अलग उत्पादों का प्रोसेसिंग कर निर्यात करना चाहिए। रमेश चंद ने कहा कि डेयरी उद्योग के निवेश में कुछ बदलाव की जरूरत होगी। अगर भारत दूध की गुणवत्ता और पशुधन स्वास्थ्य के मुद्दे को हल कर पाता है तो वो कुछ बड़े बाजारों में अपनी पैठ बना सकता है। अगले 25 साल के लिए डेयरी उद्योग का लक्ष्य और दृष्टिकोण भारत को डेयरी उत्पादों का सबसे बड़ा निर्यातक बनाने का होना चाहिए। रिपोर्ट के मुताबिक 2021 में विश्व का डेयरी निर्यात 63 अरब डॉलर था, वहीं भारत का निर्यात सिर्फ 39.2 करोड़ डॉलर था। आंकड़ों से पता चलता है कि सालाना आधार पर दूध उत्पाद 5.3% की दर से बढ़ रहा है। 2005 के बाद से दूध उत्पादन की वृद्धि दर इसलिए ऊंची रही है क्योंकि विदेश नस्लों के बजाय स्वदेशी नस्लों पर जोर दिया जाने लगा। चंद के अनुसार डेयरी क्षेत्र के तीन प्रमुख चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इसमें लगातार दुधारू पशुओं की कम हो रही है, कमरोही उत्पादकता, ग्रीन हाउस गैसों का बढ़ता उत्सर्जन और दुनिया भर में लगातार जलवायु परिवर्तन पर हानिकारक प्रभाव और निर्यात का बहुत कम हिस्सा शामिल है। फिलहाल के लिए खबर में इतना ही। और भी खबरों के लिए जुड़े रहिए इंडिया न्यूज़ उत्तर प्रदेश के साथ। धन्यवाद।